Alright guys, now this game is known as Who Dies First? Start. Watch story. हाँ देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे. Who Dies First? अभी इसके हाथ में बंदूक है और ये बंदा जो है ऑब्वियसली बंदूक वाला बंदा मरेगा. सॉरी ये वाला बंदा मरेगा. दूसरा ब्लू में जो है वो यस दैट्स राइट ही डाइड फर्स्ट. ऑब्वियसली ही विल डाई फर्स्ट. गोली मारा था उसने. वेट स्क्रीन शो स्टार्ट चूज वन पर्सन विल डाई फर्स्ट प्रेस प्ले बटन. ओके होल डाई फर्स्ट ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे है क्योंकि वो उसको गोली मारेगा राइट. तो पहले वो ही मरेगा. मार दे गोली. माई नी टू यस एक मिनट. ओह ये वो भी गया. ओहो ये मैंने रियलाइज नहीं किया. करेक्टो ओके न्यू हाइस्ट. ऑलराइट देखेंगे लेवल टू. लेफ्ट हैंड साइड वाला मरेगा क्योंकि गोली आर पार जाएंगी राइट. मे बी मेरे हिसाब से तो आर पार जानी चाहिए गोली. देखते हैं कौन जाता है पहले. एक्स वाला की मार दे गोली. अबे इसकी तो यार ये तो मतलब अरे तो थोड़ा आगे पीछे हो लेता. तू देख रहा था एक्स आ रहे तो. अरे क्या यार इनकरेक्ट. ए ही सिंग आई हैव गॉट शिट फॉर ब्रेन्स. अच्छा अभी ये झाड़ पे मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड वाला गिरेगा. यस लेफ्ट हैंड साइड वाला गिरेगा. ओह नो अरे मैंने अभी देखा एक बाघ तोड़ रहा गलत जगह पे कर दे. या राइट हैंड साइड वाला गया. ओहो आई वाज टू फास्ट. आई हैव गॉट शिट्स फॉर ब्रेन लेवल 4. वॉच स्टोरी यस ऑफ कोर्स. एक बंदा दिल के साथ गया एक बंदा पैसे के साथ गया. दिल वाला बंदा यहाँ पे है. लड़की को पसंद आया वो बंदे पे क्रश आ गया ठीक है. और वो पैसे वाली लड़की को भी ऊपर वाली लड़की को भी पैसे पसंद आए ठीक है. पैसे वाला बंदा मरेगा क्योंकि वो बाकी लड़की के पास. अरे यार ये दिल वाला यार मर गया यार क्या येड़े चाले. अरे वो तो भागीज गया पैसे वाला. अरे यार ठीक है अभी. अच्छा जैसे स्टोरी ठीक है. ये बंदे को ओ माय गॉश इज सो ब्यूटीफुल बोल के आगे क्या जंप मारने वाले ये. अरे येड़े वाओ पर वो कैसे मरा. अच्छा ऊपर की वजह से मर रहे भाई. अच्छा वो तो खंभा लेके रस्सी भाई ब्रो. चलो रस्सी डाल के बंदा आगे जा रहा. ये मैं भाई ओई शपथ उसके लकड़े की वजह से मार डाला उसने ठीक है. लकड़ा और स्ट्रांग होता है. दोनों जाएंगे तो मेरे हिसाब से टूट जाएगा लकड़ा. ओ या बेबी कार वाला तो ऊपर से जाएगा नहीं ऑब्वियसली. ओहो इसको भी लड़की पे दिल आ गया ठीक है. देखते हैं अभी. आई थिंक द गर्ल विल डाई फर्स्ट. आई थिंक शी इज अ गोल्ड डिगर ऐसा मेरे को लगता है. सो लेट्स सिलेक्ट द गर्ल प्ले द स्टोरी लेट्स सी. ये देखो पिछू जा रहा है क्या बोल रहा है. हे आई हैव मनी. अरे बाप रे आकर्षित कर दिया गोल्ड डिगर को. और ये गोल्ड डिगर दबे पाँव जाने की कोशिश. बिटिया तू तो खड्डे में गई. आई एम सॉरी बोलता है. अरे बंदा तो चला गया. कॉम्बो यस. अरे वीआईपी वर्जन बाद में देख लेंगे यार अभी नहीं. नॉट नाउ अभी थोड़ा मेरे को देख लेने दो. लेवल 6 ठीक है ना. हु विल डाई फर्स्ट. अभी क्या लगता है मेरे को वो जो स्टोन है ना उसमें जो गैप है ना उसकी वजह से मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है फर्स्ट वाला बंदा बच जाएगा. ऐसा लगता है वो सीसो पे जाएगा और वो सीसो का पत्थर उड़ के ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे जो बंदा है उस पे गिरेगा. तो मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पे जो लेफ्ट साइड से जो सेकंड लास्ट बंदा है ये वो मेरे हिसाब से वो मरेगा. देखते हैं भाई. ले वाह बेवकूफ कहीं के. अगर वो सिलेक्ट कर देता मैं तो उसको नहीं मारती यार. ये ऐसे ये चीटिंग है. यू नीड 5 कीज टू ओपन द नेक्स्ट लेवल. अरे भाई क्यों घुमा रिया है. चलो स्टार्ट. ऑब्वियसली ये बंदा के हाथ में गन है
यार ये जंप मारेगा, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, चेयर बॉल चेयर, गया बंदे के मुंह पे चेयर मारे ला, चेयर से मर गया। ये चक्कू वाला, चक्कू भी नहीं ग्लास वाली नाइफ दिख रही है और उसने चेयर को तोड़ डाली और ये बंदा गया। चलो ठीक है, इसके पास फिर ये बंदे के पास यही है और ये बंदे के पास बंदूक है। अभी जब चेयर ही गई तो बंदूक किस काम की? तो मेरे को तो लगता है बंदूक के जिसके हाथ में है वो मरेगा, और ये बंदा जो है, यस देखते हैं चलो। ये इसने चाकू फेंका भाई, उसके चाकू ने बंदूक काट दी। लो बोलो, डायमंड की है। यस ओहो जी, अरे घमासान युद्ध। ये फिर कुल्हाड़ी से वार, ये बंदूक से, ये गया ऑब्वियसली बंदूक है उसके पास। डोंट ब्रिंग नाइफ्स टू अ गन फाइट, कहते हैं ना मेरे हिसाब से जो बंदूक बंदे के हाथ में बंदूक है वो मरेगा, क्योंकि मुझे लगता है बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी, पता नहीं क्यों लगता है, देखते हैं। अभी हेडशॉट दिया तो अबे, हाँ मेरे को तो लगा गया गन वाला, ये तो मारते जा रहा है। अरे उसके ऊपर गाड़ी चला ले, मैं तो बोल ओ, अरे धप्पा धप भाई, धप्पा धप। ये जीप वाला तो खतरनाक निकला, जीप एसयूवी जो भी यार। अरे बुलेट्स की बहुत चार की गई है इस बंदे पे। वो बंदा क्यों मारा लास्ट वाला? ये इग्नोर करो इसको यार, ये कुछ भी बीच में ऐड वैड। अच्छा ठीक है, वॉच स्टोरी, यस देखेंगे स्टोरी, वॉच करेंगे। ठीक है, ये दोनों पत्थर गिरते हैं ऐसे करके कुल्हाड़ी से, कौन पहले मारेगा? और राइट हैंड साइड वाला, उसके सर पे गिरने वाला है पत्थर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले के सर पे थोड़ी ना है पत्थर। ये मैंने ब्रांच के टाइम पे गलती कर दी थी। यस ये राइट हैंड साइड वाला मरेगा। ओ ये ओ मस्त डूड के रेसे चल के जा रहा हूँ बंदा। हाँ हाँ कॉम्बो शॉम्बो। अच्छा ये थिएटर है, थिएटर में बंदा अकेला बैठ के एंजॉय कर रहा है टीवी, फिर बाद में बाजू में कपल आके बैठे। ओ तो ये बंदा एकदम और दूर जाके बैठा है। चलो ठीक है, इज गिविंग सम प्राइवेसी टू देम। इसका थोपड़ा बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गया, लगता है बेबी नाराज़ हो गया है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है शायद, ऐसा कुछ। अभी हम देखते हैं वहाँ से एक सोनी कुड़ी आ रही है, तो ये बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराहट छोड़ो, ये बंदे का दिल भराया है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट इमोजी। और बाजू में एक डूड बैठ गया, तो मेरे हिसाब से वो बंदा उसे खफा बीच वाले बंदे से। और ये जो बीच में जो बैठा है वो बंदा, ओ माय गॉड हाय हेलो डार्लिंग, अरे बाप रे, मुझे लगता है अभी होगा कुछ घमासान युद्ध, मारेगा ये बंदा चक्कू वक्कू निकाल के। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड वाले जोड़ी में से जो बंदा अब भी आके जस्ट बैठा उसको फटके देगा वो, क्योंकि यस यही है मेरे हिसाब से ये बंदा जिसको मैंने पॉइंट किया अभी। अबे थिएटर की कुर्सी ले ली यार इसने हाथ में, ऐसा करता है कोई? ओ भाई साहब डांस तो देखो उसकी। ओके बाय बाय, लेट्स मीट टुमारो।